Good morning, everyone. How are you all? I hope you all must be fine and you all must be paying attention to your studies. Today in AVS, we will be studying chapter 15 and the name of the chapter is The Sun, Light and Shadow. Here the images are, we have to write the name of the images. The first image is of morning, second is of noon and third one is of night. Okay. Now let's come to the chapter. The first topic is directions. Directions matlab dishaen. Directions help us to know the position of a person or thing. Kisi bhi person ya thing ke position ko batata hai direction. Theek hai na? Ki wo kis direction mein khada hai, wo kis position mein khada hai, kis direction mein khada hai. Ye aapko kaise pata chalega? Direction se aapko pata chalega ki wo person kis position mein खड़ा है. डायरेक्शन हेल्प अस टू नो द पोजीशन ऑफ अ पर्सन और थिंग. किसी सामान का भी पोजीशन पता करने में या बताने में डायरेक्शन हेल्प करता है. देर आर फोर मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन. अगर आप उगते हुए सूरज की तरफ फेस करते हो और अपने दोनों आर्म्स को फैलाते हो इस लड़के की तरह, द ईस्ट इज एट योर फ्रंट. ईस्ट आपके फ्रंट में है, मतलब सामने में है, और आपके पीठ के पीछे यानी कि बैक साइड पे कौन सा डायरेक्शन पड़ेगा? वेस्ट. योर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ. लेफ्ट हैंड जो है वो पॉइंट करेगा नॉर्थ की तरफ, राइट हैंड पॉइंट करेगा साउथ की तरफ. ओके. द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर. सन जो है वो बहुत बड़ा आग का गोला है. We can see the sun shining in the sky in the daytime. दिन के वक्त हम लोग उसको चमकता हुआ देख सकते हैं. We see the sun rising in the east every morning. हम लोग हर morning को, मतलब हर दिन सुबह में east के तरफ से सूरज को निकलता देख सकते हैं. और सूरज ढलता कब है यानी कि डूबता कब है? Evening में. और किधर? West direction में. Okay? तो sunset कब होता है? इवनिंग में होता है. किस डायरेक्शन में होता है? वेस्ट में होता है. और सनराइज कब होता है? मॉर्निंग में. किस डायरेक्शन में? ईस्ट में होता है. ओके. यहाँ पे दो इमेजेस हैं जो दिखा रहे हैं. ये दिखा रहा है सनराइज और ये दिखा रहा है सनसेट. ओके. द सन नीदर राइजेज नॉर सेट्स. यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि सन ना ही कभी निकलता है ना ही कभी डूबता है. इनफैक्ट इट नेवर मूव्स. वो कभी हिलता ही नहीं है. इट अपीयर्स टू मूव बिकॉज वो मूव करने, हमें लगता है कि वो मूव कर रहा है क्योंकि वी सी इट फ्रॉम द अर्थ विच इज मूविंग. हम लोग उसको अर्थ से देख रहे हैं और अर्थ मूव कर रहा है. रोटेशन और रिवॉल्यूशन पढ़े होगे, और अगर नहीं पढ़े होगे तो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, क्योंकि अर्थ मूव करता है. धरती जो है वो मूव करते रहती है, इसीलिए हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है या मून मूव कर रहा है या क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, पर वो मूव नहीं करते. इट्स द अर्थ जो मूव करता है. ओके. द सन इज अ स्टार. इट इज वेरी बिग इन साइज. सन एक स्टार है जो कि बहुत बड़ा है साइज में. इट इज मच बिगर देन द अर्थ. वो अर्थ से भी बड़ा है साइज में. इट अपीयर्स स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम अस. वो बहुत छोटा दिखता है क्योंकि वो हमसे काफी दूरी पे है. द सन गिव्स अस लाइट. सन जो है वो हमें रोशनी देता है. वी कैन सी थिंग्स ओनली इन लाइट. और उस रोशनी की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं. और अगर रोशनी नहीं है, अंधेरा है, तो हम चीजों को नहीं देख पाते हैं. वी वर्क एंड प्ले इन द लाइट ऑफ द सन. हम खेलते हैं, काम पर जाते हैं, अपना काम करते हैं जब सन की रोशनी होती है यानी कि सुबह के वक्त. द सन डिजैपियर्स एट नाइट. रात में आपको सन नहीं दिखता. देर इज डार्कनेस ऑल अराउंड. हर तरफ अंधेरा होता है. वी कैन नॉट सी इन द डार्क. और अंधेरे में हम नहीं देख पाते चीजों को. क्या आप देख पाओगे? अगर आपके रूम में लाइट ऑन नहीं है तो क्या आप चीजों को देख पाओगे? नहीं. नाउ कम टू लाइट. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ. सन जो है वो अर्थ पे लाइट का मेन सोर्स है. बट हाउ डू वी गेट लाइट एट नाइट वेन देर इज नो सन. तो रात में हमें रोशनी कैसे मिलती है जब वहां पे सन होता ही नहीं? वी गेट लाइट फ्रॉम लाइट बल्ब. हमें लाइट बल्ब से, ट्यूबलाइट से, कैंडल से, लालटेन से या फिर टॉर्चेस से लाइट मिलती है रात के वक्त जब सन हमारे पास नहीं होता. तो ऐसे हम सबको पता है कि मेन सोर्स लाइट का क्या है? सन है. पर जब सन ही नहीं दिखता है तो उस वक्त हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं जिनसे हम लाइट लेते हैं, और वो हैं ये सारे लाइट बल्ब, ट्यूब लाइट, कैंडल, लालटेन, टॉर्चेस. ओके. नाउ शैडो. शैडो मतलब परछाई. ऑन अ सनी डे वॉक टुवर्ड्स द सन.
सनी डे में आप सूरज की तरफ चलो, यू विल सी अ डार्क शेप ऑन द ग्राउंड फॉलोइंग यू। आप देखोगे कि एक डार्क सा शेप जो है, वो जो कि आपकी ही शेप का है लेकिन उसका साइज बड़ा होता है, वो आपको फॉलो कर रहा है। द शेप इज योर शैडो, और उस शेप को बोलते हैं शैडो। देखो यहाँ पे परछाई बन रही है ना, दैट इज नोन एज शैडो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट लेट लाइट पास थ्रू इट, इट्स शैडो इज फॉर्म। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने से लाइट को क्रॉस करने नहीं देता है तो शैडो बनता है। ओके, डायरेक्शन ऑफ शैडो, द शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट यानी लाइट का जो सोर्स है, जहां से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट में हमेशा ही शैडो बनता है। अगर आप एक टॉर्च ले लो, टॉर्च के सामने अपना हाथ रखो, तो आप देखोगे टॉर्च के साइड शैडो नहीं बन रहा है, टॉर्च के अपोजिट साइड यानी कि सामने वाले साइड पे शैडो बन रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि वो लाइट को पास नहीं होने दे रहा है, और जब लाइट पास नहीं होगी तो वहां पे शैडो बनेगा, परछाई बनेगा, और परछाई हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, जहां से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इन मॉर्निंग द सन इज इन द ईस्ट, सो द शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर फॉर्म टू द वेस्ट। सुबह में जब आप देखते हो कि सन जो है वो ईस्ट की तरफ होती है, तो जो शैडो किधर फॉर्म होगा, वो वेस्ट की तरफ फॉर्म होगा। ओके, एंड इवनिंग में द सन इज इन द वेस्ट, इवनिंग में शाम के वक्त आप देखते हो सूरज वेस्ट की तरफ से ढलता है, तो शैडो किधर फॉर्म होगा, ईस्ट की तरफ फॉर्म होगा। ओके, तो सुबह में जब सन आपका ईस्ट की तरफ से निकलता है तो शैडो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट में फॉर्म होगा, और जब सनसेट होता है तो शैडो किधर डूबता है, वेस्ट की तरफ डूबता है, तो सन वेस्ट की तरफ डूबता है तो शैडो ईस्ट में फॉर्म होगा। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, सेम चीज जो मैंने बताया, यहाँ पे बॉल रखा हुआ है, मैंने बोला था हाथ रख लो, तो इफ यू विल डू लाइक दिस, आपको पता चल रहा है कि शैडो ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है। ओके, नाउ साइज ऑफ अ शैडो, द साइज ऑफ अ शैडो इज नॉट फिक्स्ड, इट चेंजेस। साइज जो है शैडो का, वो चेंज होता रहता है, वो फिक्स्ड नहीं रहता है। योर शैडो इज लॉन्ग इन मॉर्निंग, सुबह के वक्त आपका शैडो जो है वो लंबा रहता है। इट बिकम्स शॉर्टर एट नून, दोपहर के वक्त वो छोटा हो जाता है। इट बिकम्स लॉन्गर अगेन इन द इवनिंग, शाम के वक्त वो फिर से बड़ा हो जाता है। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो आपको बताएगा कि शैडो जब फॉर्म होता है, तो अगर आप सोर्स ऑफ लाइट यानी कि जहां से लाइट निकल रहा है वहां उसके नजदीक अगर आप रखते हो कोई ऑब्जेक्ट को, तो शैडो जो है वो बड़ा बनता है, और अगर आप उस ऑब्जेक्ट को सोर्स ऑफ लाइट से दूर रखते हो तो शैडो जो है वो छोटा बनता है। ओके, ये जो वर्ड्स टू रिमेम्बर है, ये आपको डेफिनेशंस हैं, वो आप लर्न कर लेना और लिख भी लेना, ठीक है। मैं ये फिर से बता रही हूँ, जब भी सोर्स ऑफ लाइट के पास होगा ऑब्जेक्ट तो शैडो दूर में फॉर्म होगा और बड़ा फॉर्म होगा, और जब भी सोर्स ऑफ लाइट से दूर होगा ऑब्जेक्ट तो शैडो छोटा फॉर्म होगा। ओके, नाउ कम टू द डिफिकल्ट वर्ड्स, द फर्स्ट वर्ड इज डायरेक्शंस, सेकंड इज पोजीशन, थर्ड इज शाइनिंग, फोर्थ इज मॉर्निंग, फिफ्थ इज डार्कनेस, सिक्स्थ इज कैंडल्स, सेवन इज लालटेन, एट इज ऑपोजिट, नाइन ऑब्जेक्ट्स, टेन इवनिंग, इलेवन शैडो, ट्वेल्व ग्राउंड। ओके, लर्न इट एंड राइट इट, आप इसे लर्न भी कर लेना और लिख भी लेना कॉपी में। नाउ कम टू एक्सरसाइज, डायरेक्शंस हेल्प टू नो द पोजिशन ऑफ अ पर्सन और थिंग। इफ यू आर फेसिंग द राइजिंग सन, द नॉर्थ इज ऑन योर लेफ्ट, वी कैन सी थिंग्स ओनली इन लाइट, वी गेट लाइट फ्रॉम अ लाइटेड कैंडल, नॉट फ्रॉम पेंसिल और चॉक, we can see our shadow clearly on a sunny day. Circle the correct colored word in each sentence. There are four main directions. In the evening, the sun sets in the west. The sun is much bigger than the earth. The sun disappears at night. A shadow is always formed on the opposite side of the source of light. Okay, now some wrong statements are given below. Correct them by changing only one word in each. हर एक सेंटेंस में एक एक वर्ड चेंज करना है. We see the rising sun in the east. The sun appears small because it is very far from us. In the morning, the shadow of an object is formed to the west. The size
ऑफ अ शेडो इज नॉट फिक्स्ड, योर शेडो बिकम्स लॉन्गर इन द इवनिंग। ये जो वर्ड्स मैंने सर्कल किए हैं वो गलत हैं, रॉन्ग है, उन्हें मैंने चेंज करके ऊपर में पेंसिल से करेक्ट वर्ड्स लिखा है, आप भी लिख लेना। ओके, राइट, व्हाट इज रॉन्ग इन ईच पिक्चर। फर्स्ट वन, इसमें क्या गलत है, शेडो इज ऑन द रॉन्ग साइड। शेडो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है, यहाँ देखो वो सेम डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द शेडो ऑफ द बॉल इज स्क्वायर। जब आप देख रहे हो कि बॉल जो है वो सर्कल है, तो उसका जो शेडो होगा वो भी सर्कल ही फॉर्म होगा, कोई दूसरे शेप में फॉर्म नहीं होगा। साइज डिफर कर सकता है पर शेप नहीं, तो यहाँ पे देख रहे हो शेप डिफर कर रहा है, और ये किस शेप में है, यहाँ इसका शेडो स्क्वायर बना है, बल्कि इसको क्या बनना चाहिए था, सर्कल बनना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, द साइज ऑफ अ शेडो विल बी स्मॉलर। साइज ऑफ द शेडो क्यों स्मॉल रहेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो दूर में, अगर ऑब्जेक्ट पास में रहता तो साइज जो बड़ा है वो सही रहता, लेकिन ऑब्जेक्ट जब दूर में होता है तो उसका शेडो भी छोटा बनता है। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर द फोर मेन डायरेक्शंस। द फोर मेन डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। Why does the sun appear to move? The sun appears to move because we see it from the earth which is moving. Sun हमें move करता हुआ, हिलता हुआ या चलता हुआ दिखता है, क्योंकि हम लोग का जो earth है जिसपे हम रहते हैं वो move कर रहा है, ना कि sun. Sun अपनी जगह से नहीं हिलता, we are moving, मतलब earth is moving, इस वजह से sun जो है वो move करता हुआ लगता है। Why does the sun appear small? सन क्यों छोटा दिखता है, क्योंकि वो हम लोग से बहुत दूर है। द सन एपियर स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम अस। व्हेन इज अ शेडो फॉर्म्ड, शेडो कब फॉर्म होता है, व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो पाता है, ऑब्जेक्ट जो है लाइट को ब्लॉक कर देता है, तब शेडो फॉर्म होता है। व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट अ शेडो इज फॉर्म्ड। डज द साइज ऑफ अ शेडो चेंज, क्या शेडो का साइज चेंज होता है। द साइज ऑफ अ शेडो इज नॉट फिक्स, इट चेंजेस। जो साइज है शेडो का वो कभी फिक्स्ड नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। ओके, नाउ ये क्रिएटिव स्किल है, दिस यू विल डू ऑन योर ओन एक्टिविटी, यू विल ट्राई टू प्रैक्टिस इट, एंड ये जो रिविजन वर्क है दिस ऑल्सो यू विल डू ऑन योर ओन, दिस इज योर होमवर्क। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन आंसर डिफिकल्ट वर्ड्स आप अपनी कॉपी में लिख लेना, बैक एक्सरसाइजेस आप अपने बुक में फिल कर लेना, एंड ट्राई टू गो थ्रू द चैप्टर। चैप्टर रीड करोगे, लर्न द बैक एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर, डिफिकल्ट वर्ड्स, एवरीथिंग, प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।